जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी कैंडिडेट्स के लिए जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपका रॉ स्कोर है और उसके बाद आपका जो परसेंटाइल स्कोर है और उसके बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या होने वाला है बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिए हैं और उसी आरोप को खारिज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपके सामने ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ खोल कर रख दूंगा अब यहाँ देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि यहाँ पर रोमार्क्स यहाँ पचास बन रहा है किसी कैंडिडेट का यहाँ पर पचपन बन रहा है किसी कैंडिडेट का यहाँ पर सिक्सटी थ्री बन रहा है और उनका जो परसेंटाइल स्कोर दिखाया जा रहा है मान लीजिए यहाँ पर किसी कैंडिडेट का जो मार्क्स है फिफ्टी वन बन रहा है तो उसका परसेंटाइल स्कोर यहाँ फोर्टी टू पर पहुँच गया है, अब वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं वो सोच रहे हैं कि हम दौड़ से बाहर हो गए हैं यानी कि हमारा सलेक्शन अब नहीं होगा और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फिफ्टी मार्क्स है और वो सीधे सिक्सटी परसेंटाइल पर पहुँच गए हैं अब यहाँ परसेंटाइल के ऊपर भी बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट हो रहा है और ये डाउट मैं आपका मिटा दूंगा तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट ने यह आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो परसेंटाइल जो यहाँ पर आ रहा है जो परसेंटाइल स्कोर जो आ रहा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं होगा तो देखिए उन सब की बातों का जवाब इस ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा ये ओरिजिनल नोटिस है डेट देख लीजिए 12 आठ 2022 बारह अगस्त दो हज़ार बाईस का ये ओरिजिनल नोटिस है रेलवे के द्वारा ठीक है और यहां देख लीजिएगा इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है जो कि सात चार दो हज़ार बाईस को जो नोटिस पब्लिश किया गया था उसकी अंदर यहां पर कॉरीगेंडम और अमेंडमेंट किया गया है अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉरिगेंडम और अमेंडमेंट क्या होता है देखिए कॉरिगेंडम होता है जब हम पहले कोई नोटिस देते हैं उस नोटिस के अंदर अगर कोई चेंजिंग करनी होती है तो उसे कहा जाता है कॉरिगेंडम और अमेंडमेंट होता है कि जब पहले वाले नोटिस के अंदर अगर कोई नई चीज ऐड की जाती है कोई नई चीज जोड़ी जाती है तो वो कहलाता है यहां पर अमेंडमेंट जैसे आप अपने संविधान को भी पढ़ते हैं तो संविधान में क्या हुए बहुत सारे संशोधन हुए हैं संविधान संशोधन तो संशोधन के द्वारा क्या हुआ है बहुत सारी चीजों को यहां पर ऐड किया गया है बहुत सारी चीजों को यहां पर जोड़ा गया है और उसी चीज को हम इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट संशोधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं इतनी बात क्लियर हो गई अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं सभी लोगों को यहाँ पर देख लीजिए ये 12 अगस्त का 12 अगस्त का ये नोटिस है और इसके अंदर परसेंटाइल स्कोर और परसेंटाइल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी गई है यहाँ परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाएगा वो बताया गया है अब इसका पॉइंट नंबर थ्री जो है अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए और अगर नहीं आती है तो अभी भी यहाँ पर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर ये नोटिस पड़ा हुआ है 12 अगस्त का जाकर चेक कर लीजिएगा कि क्या यही लाइन है या फिर ये मैं जो आपको नोटिस दिखा रहा हूँ ये फेक है तो बिल्कुल फेक नोटिस नहीं है और यहाँ देखिए क्लियरली क्या लाइन लिखी हुई है यहां देखिए मैं आपको पढ़ा के भी बता देता हूं द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन क्लियरली लिखा हुआ है कि जो परसेंटाइल स्कोर आपका होगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा एग्जाम के लिए यहां देख लीजिए रेलवे खुद इस बात को कह रहा है कि परसेंटाइल के बाद जो आपका स्कोर बनेगा वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा अब कई लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर जो परसेंटाइल स्कोर है वो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं कहलाएगा अब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उन लोगों को किस तरह से समझाऊं तो इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया अब मैं आपको दिखा देता हूं जो भी यहां पर 40, 45 पचास त्रेपन वाले जो कैंडिडेट हैं उनका रॉ मार्क्स जो नीचे आ सॉरी रॉ मार्क्स जो है यहाँ पर इतना बन रहा है और वो लोग यहाँ पर नीचे आ जा रहे हैं यानी कि वो परसेंटाइल स्कोर में नीचे आ जा रहे हैं ऐसा किस वजह से हो रहा है वो भी मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ यहाँ देखिए एक कैंडिडेट का हमारे पास डेटा है और उसे हम यहाँ खोल लेते हैं रैंक आई के ऊपर ठीक है फिर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर बताऊँगा तो यहाँ पर हमने यू भी कॉपी करके रखा हुआ है वो भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और कैटेगरी हम डाल लेते हैं उसके बाद यहाँ जोन डाल लेते हैं तो देखिए ये कैंडिडेट जो थे हमारे हुबली से थे तो यहाँ देखिए और एक पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं ऐसा कोई वो नहीं है पासवर्ड बार बार ही आपसे मांगेगा तो जितनी बार आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड यहाँ आपको वेरीफाई करना होगा बस और कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको ये लिंक कॉपी करना है आपके आंसर की से वो आप पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें कि हमने बताया है कि अपना जो परसेंटाइल स्कोर है यहाँ पर रैंक आई क्यू पर कैसे चेक कर सकते हैं अब यहाँ देखिए यहाँ सब कुछ आपके बारे में बता देगा अब यहाँ देखिए इसको क्लिक करेंगे तो चेक योर रैंक हो जाएगा अब यहाँ देखिएगा अब यहाँ जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ग्यारह हज़ार तीन सौ एक में से चार हज़ार पिचासी रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन के बिना आपकी रैंक इतनी बन रही थी और यहाँ देखिएगा रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखिए ये आपका ये वाला डेटा दिया हुआ है अब एक चीज़ यहाँ बताइएगा कि इसके अंदर अब देखिए एक और चीज़ कैटेगरी रैंक कैटेगरी रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन आपकी कैटेगरी की रैंक भी यहाँ बताई गई है छः हज़ार दो सौ चालीस उसमें से पच्चीस सौ आपकी रैंक आ रही है यहाँ देखिए ये यह तो आपका रैंक बता दिया और यहाँ देखिए कैटेगरी रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन ये आपका कैटेगरी रैंक बता दी बिफोर नॉर्मलाइजेशन ये हो क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए इस रैंक आई के ऊपर क्या आपको लगता है कि पूरे के पूरे कैंडिडेट आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं देखिए बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है ना वो यहाँ पर लगभग लगभग साठ सत्तर वाले कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ पर जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं वो चालीस पैंतालीस पैंतीस पचास ये वाले कैंडिडेट बहुत ही कम है जो कि इस पर रजिस्टर्ड हैं यानी कि ऐसे लोग यहाँ पर कम रजिस्टर्ड हैं ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर कम हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था और आज आप दोबारा जाकर देख सकते हैं हम आपको आई बटन में उस वीडियो का भी लिंक देंगे उससे आपकी आंखें ही पूरी खुल जाएंगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है देखिए नॉर्मलाइजेशन जो आपका होता है आपका जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ होगा परसेंटाइल बेस्ड में उसमें क्या होगा कि आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी दोबारा सुनिएगा आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी आपके परसेंटाइल स्कोर उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा और अगर आपके बराबर या आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका मार्क्स यहाँ नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर इस वाली रैंकर आईक्यू के अंदर हो क्या रहा है कि आपके बराबर या आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से जो जिन लोगों का नंबर यहाँ पर पचास पैंतालीस या इक्यावन बावन है उन लोगों का यहाँ पर जो भी रॉ स्कोर है उसके बाद जब परसेंटाइल स्कोर अपना देख रहे हैं तो परसेंटाइल स्कोर उनका नीचे आ जा रहा है तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो कैंडिडेट एक्चुअल कैंडिडेट मौजूद ही नहीं है जो कि आपसे कम मार्क्स वाले हैं और एग्ज़ाम के अंदर यानी कि जब आपने रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा वहां पर बहुत सारे लाखों की संख्या में कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स आपसे बहुत कम होगा आपकी शिफ्ट के अंदर आपकी शिफ्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपकी शिफ्ट के अंदर भी आपसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट बहुत सारे होंगे तो इसीलिए घबराइए मत क्योंकि जब आपका नॉर्मलाइजेशन वहां होगा तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो यहां अच्छा खासा बन जाएगा तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है इसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि यहाँ आपका स्कोर बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल है आइडिया लगा सकते हैं आप इससे कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा अब हमने जैसा आपको बताया था सेम उसी तरह का नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पर कम मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है वो डिमोटिवेट हो जा रहा है इसीलिए वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था और ज़्यादा मार्क्स वाले जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारा रॉ मार्क्स जो है वो इतना हो जाएगा यानी कि हमारा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो इतना बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा जब एक्चुअल कंडीशन सामने आएगी तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनका सिक्सटी थ्री है वो यहां पर नाइनटी एट परसेंटाइल पर भी पहुंच जा रहे हैं तो ये उनकी रैंक यहां पर शो कर रहा है और ज्यादातर देखिए परसेंटाइल स्कोर जब आपका वहां बनेगा ना तो वहां पर इतना वेरी नहीं करेगा क्योंकि रेलवे खुद कह रहा है कि यहां पर जो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहेगा ये बात मैंने आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखा दी किसी को डाउट हो अभी भी अगर कोई यहाँ पर हमारे से गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और जितने लोग ये कह रहे थे कल आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पर आप जो है गलत कर रहे हैं मिसगाइड कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है ऑफिशियल नोटिस है अभी भी चैलेंज करके कह रहा हूँ कि यहाँ पर 12 अगस्त का ऑफिशियल नोटिस रेलवे की वेबसाइट पर डला हुआ है और अगर आपने वो नोटिस नहीं देखा है तो हमने आपको वीडियो भी यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत